हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। इन प्रीवियस क्लास स्टूडेंट्स वी रीड दैट कि रूबीना कैसे उस चेयर को अपने फ्रेंड्स के बीच, है ना, शो करती है, प्रदर्शित करती है कि ये एक मैजिकल चेयर है, ठीक है, और वो कैसे उस चेयर से गिरती है और सारे फ्रेंड्स उसके ऊपर हंसने लगते हैं, है ना। केवल कुछ ही उसके फ्रेंड्स, गीता, लविश एंड दिव्या, है ना, ये तीन उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे जिन्होंने उसको उठाने में मदद की, ठीक है, जिनको वो अपना सबसे अच्छा मित्र समझती थी, वो उसके ऊपर केवल क्या है, वो हंसे। और बाकी तीन फ्रेंड्स के ऐसे थे जिन्होंने उसकी मदद की, उसे सहारा दिया, ठीक है। अब देखिए आगे, आप शी टोल्ड देम, उन्होंने, शी मीन्स वह मीन्स कौन यहाँ पे है, रूबीना। शी टोल्ड देम, रूबीना ने उनको बताया क्या, हाउ हर ग्रैंडपा हैड थॉट ऑफ वे टू शो हर दैट ट्रू फ्रेंड्स आर दोज हु केयर एंड नॉट जस्ट एनी वन हु हैपन्स टू स्पेंड सम टाइम विद अस। अब रूबीना अपने फ्रेंड्स से क्या बता रही है कि किस प्रकार उसके दादाजी ने सोचा कि किस तरह से मुझे, यानी कि रूबीना को बताया जाए कि सच्चे मित्र वो होते हैं जो, है ना, केवल हु केयर, जो हमारी देखभाल करते हैं, एंड नॉट जस्ट एनी वन, और बल्कि वो नहीं होते हु हैपन्स टू स्पेंड सम टाइम विद अस, जो केवल हमारे समय साथ समय व्यतीत करे, वो हमारे सच्चे मित्र नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारी केयर करे वो हमारे सच्चे मित्र होते हैं। इस तरह से रूबीना के दादाजी ने, है ना, रूबीना को ये सिद्ध करना चाहा कि सच्चे फ्रेंड्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप, आगे देखिए। दैट इवनिंग, उसी शाम, जिस दिन ये सब स्कूल में रूबीना के साथ हुआ, वापस घर आने के बाद शाम को, द फोर चिल्ड्रन वेंट टू सी रूबीनास ग्रैंडपा टू पे आउट टू बेट, है ना, क्या है कि दैट इवनिंग, उसी शाम को, फोर चिल्ड्रन, चार बच्चे गए कहाँ, रूबीना की ग्रैंडपा को देखने, और क्या, टू पे आउट, क्या करने के लिए, देने, द बेट, उस शर्त की कीमत कर देने। दे हैड ए ग्रेट टाइम लिसनिंग, है ना, उन्होंने अपना अधिक समय बिताया उनके साथ सुनने में, क्या, टू स्टोरीज, कहानियाँ सुनी, एंड ईटिंग पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खाया, अनटिल, जब तक कि, फिट टू बस्ट मतलब जब तक कि उनके पेट भर न गए, है ना, बर्स मतलब ज़्यादा खा लेना, जिससे हम कहते हैं कि पेट आपका बस्ट हो जाएगा, मतलब फुल ऑफ, पूरा पूरा खाने के बाद, बहुत सारा खाने के बाद। एंड फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से, दे यूज्ड द मैजिक चेयर, वे उस जादुई कुर्सी का इस्तेमाल करते थे, क्या, टेस्ट ऑन क्वाइट ए फ्यू ओकेजन्स, है ना, जस्ट, है ना, कुछ खास मौक़ों पे वो उस दिन के बाद से उस मैजिक चेयर का इस्तेमाल करते थे, टू टेस्ट, केवल ये परीक्षण करने के लिए, देयर न्यू फ्रेंड्स, जब उनके कोई न्यू फ्रेंड्स बनते थे तो उनको टेस्टिफाई करने के लिए उस मैजिकल चेयर का इस्तेमाल करते थे। एंड हु एवर पास्ड इट, और जो भी ये इम्तिहान पास करता था, बिकेम देयर फ्रेंड फॉर लाइफ, वो पूरी ज़िंदगी उनका फ्रेंड हो जाता था। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए बुक में, आपके यहाँ पे फ्रेंडशिप डे पे लेसन के अकॉर्डिंग, लेसन क्या है, फ्रेंडशिप पे ही तो है लेसन आपका, है ना, तो इस फ्रेंडशिप डे कैसे मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये आप बुक में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, योर होमवर्क इज़, आपको यहाँ पे स्टोरी पढ़ के ट्रू फॉल्स करना है,
ठीक है, यहाँ सामने, और फिर आपको ये कंप्लीट द फॉलोइंग, बुक में आपके सेंटेंस दिए हुए हैं, सेंटेंस देख करके आपको यहाँ पे ये सेंटेंस आधा दिया है, ये आपको पूरा लिख के कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी।